मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे वैभव यादव की आज यानी शनिवार 24 फरवरी को शादी थी। सीएम मोहन यादव अपने बेटे की शादी एक किसान परिवार की बेटी शालिनी यादव से कर रहे हैं। इस शादी में कुल 200 मेहमान ही शामिल थे, जिसमें वधु पक्ष के कुल 60 लोग और वर पक्ष के 140 लोग शामिल थे। पहले यह शादी समारोह मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित करने का फैसला लिया गया, लेकिन निजता में खलल न पड़े इस कारण इस शादी समारोह को पुष्कर में आयोजित करने का फैसला लिया गया। मेरे बेटे का विवाह है और विवाह में पारिवारिक शुद्ध पारिवारिक लोगों के साथ हमने निजी स्तर पर भगवान के दरबार में भगवान की नगरी में आकर के, मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर रहने के कारण से जो अत्यंत आत्मीयता है तो निजता में थोड़ा खलल होता है, इसलिए भगवान ब्रह्मा के स्थान पर आकर के पुष्कर जी में एक निजी अपने बेटे के विवाह के लिए आया हूं और शुद्ध पारिवारिक दृष्टि से हमने विवाह करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे राज्य की जो परंपरा है कि हम अपने निजी कार्यक्रम को निजी बना के रखें, सरकारी व्यवस्थाओं से इसकी भिन्नता होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि परिवार के लोगों ने भी बात मान ली, हम सब मिलकर के आज पारिवारिक कार्यक्रम करके पुनः अपने मूल काम के लिए वापस मध्य प्रदेश चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी के फोटोज सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, सीएम के बेटे वैभव गले में माला डालकर परिवारजनों के साथ खड़े दिखाई दिए। इसके साथ ही शादी की बाकी रस्मों की फोटोज भी सोशल मीडिया पर छाए रहे। दूल्हा दुल्हन शादी की हर रस्म में बेहद सादगी भरे अंदाज में नजर आए। इसके साथ ही बात अगर बारात की करें तो सीएम मोहन यादव के बेटे की बारात दिन में निकाली गई, जिसके कई वीडियो सामने आए। इसमें सीएम मोहन यादव रिश्तेदारों के साथ बैंड बाजे की धुन पर खुशी से नाचते नजर आए। बारात में आए मेहमानों ने भी बारात की शोभा नाच कर बढ़ाई। वहीं मान पक्ष का स्वागत लड़की वालों ने द्वार से अच्छे से किया। लाइन से लड़की वाले हाथ में माला पकड़े लड़की वालों के स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए। लड़की वालों ने लड़के वालों का स्वागत गले में माला डालकर किया। मोहन यादव से शादी में लोग हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवाते भी नजर आए। आपको बता दें, शादी से पहले सीएम मोहन यादव अपनी पत्नी संग अजमेर स्थित ब्रह्म मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। आपको बता दें कि मोहन यादव अपने काफिले के साथ मंदिर परिसर पहुंचे और अंदर जाकर पत्नी संग दर्शन किए और चढ़ावा भी चढ़ाया। इसी के साथ मोहन यादव ने अपनी पत्नी संग ब्रह्म सरोवर पर पूजा पाठ भी किया। वहां उनके साथ उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे, जहां दंपत्ति ने पंडित जी के द्वारा सरोवर पर पूजा संपन्न की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।